तो मैं आपको बता दूं साइन माइनस थीटा को लिख सकते हैं साइन जीरो माइनस थीटा, है ना, लिखा जा सकता है जीरो माइनस थीटा। अब माइनस थीटा एंगल देखोगे जरा, माइनस थीटा एंगल बनता कैसे है, देखो एंटी क्लॉकवाइज एंगल बनाओगे तो प्लस थीटा बनता है, ठीक है, और अगर आप क्लॉकवाइज एंगल बनाओगे यूं करके तो ये जो एंगल बना मेरे दोस्त, ये एंगल बना माइनस थीटा, ये मेरी नीचे लाइन थी, घुमाया इसको क्लॉकवाइज तो ये बन गया माइनस थीटा। तो माइनस थीटा आपका कौन से क्वाड्रेंट में है, क्वाड्रेंट डिसाइड हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट पे डिसाइड हो गया, ठीक है जी। अब हम बात कर रहे हैं साइन जीरो माइनस थीटा की, तो जीरो कौन सी एक्सिस पे, जीरो एंगल कहां बनता है, जीरो एंगल तो यार यहीं पे बनता है, एक्स एक्सिस के ऊपर ही ऐसे, तो जीरो एंगल जो है ये एक्स एक्सिस के ऊपर एंगल बन गया, तो एक्स एक्सिस के ऊपर जब एंगल बनता है तो साइन रहता है साइन, कोस रहता है कोस, टेन रहता है टेन, कोट रहता है कोट, सीकेंट रहता है सीकेंट, और कोसेकेंट रहता है कोसेकेंट, ये बात क्लियर होगी। और एंगल जो कि फोर्थ क्वाड्रेंट का है, ये एंगल जो है ये फोर्थ क्वाड्रेंट का है, इसलिए ये जो एंगल है ये मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल है, इस वजह से फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस और सीकेंट पॉजिटिव होते हैं, अगर आपको क्वाड्रेंट साइंस की याद है, क्वाड्रेंट साइंस की याद है तो कोस मेरा पॉजिटिव होता है और सीकेंट पॉजिटिव होता है, बाकी सारे फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होते हैं। तो दोस्तों बिल्कुल क्लैरिटी के साथ समझ आ गई बात,